साथियों, बीते एक दशक में हमारा देश तेजी से बदला है। कभी हम 10 साल पहले 10वें पायदान से ऊपर उठकर दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं। आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए ये जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए इनोवेशन करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाए। ये जस्टिस फॉर ऑल इसके लिए भी उतना ही जरूरी है। हम देख रहे हैं क्या टेक्नोलॉजी हमारे जुडिशियल सिस्टम में इतना अहम रोल निभा रही है। आईटी रिवॉल्यूशन से कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। हमारा ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट्स कंप्यूटराइज हो चुकी है। मुझे बताया गया है कि नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है। आज पूरे देश की 3,000 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस और 1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ गई है। और मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। यहां सैकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज हो चुकी है। पेपरलेस कोर्ट्स, ई फाइलिंग, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था, ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचें तो दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे न्याय को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को हमें बनाए रखना है, लगातार अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करते चलना है।